Good afternoon, everyone. This is Ekam from Goington Prime TV with the latest news headlines. Here are some international news. Russia claimed on Sunday that it had been captured 9 villages. In the view of the Russian attack, Ukraine has evacuated hundreds of people safely from the border areas. Now some national news. There is election excitement in the country at present. After 3 phases of voting, the 4th phase of voting was completed on Monday. A total of 695 candidates are in the fray in the 5th phase of Lok Sabha elections 2024. At the same time, criminal cases are registered against 159 candidates contesting in the 5th phase. From Sports World, the 63rd match of IPL 2024 has been cancelled. Rain dashes the hopes of the Gujarat Titans and the team is out of the race for the playoffs. Gujarat is the third team to be out of the playoff race in IPL. Before this, Mumbai Indians and Punjab Kings have also been out. Now some local happenings. The administration has again started the updation work regarding the family identity card. Along with the election, the work of updation of family ID is going on. Let's know our weather report. The weather in Sirsa today is expected to be hot with a high of 41 degrees Celsius and a low of 26 degrees Celsius. Some Goenka news. Rupal secured top spot in CBSE Grade 10th results with 97%, while Anvi leads Grade 12th with 95%. Congratulations for both their outstanding academic achievements. Now over to Hindi news. नमस्कार दर्शकों, मैं गुरेंद्र स्वागत करता हूं आपका हिंदी खबरों के बुलेटिन के साथ। पेश है कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रूस ने रविवार को दावा किया कि उसने 9 गांव पर कब्जा कर लिया है। रूस के हमले को देखते हुए यूक्रेन ने बॉर्डर इलाकों से सैकड़ों लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। अब कुछ राष्ट्रीय समाचार। देश में इस वक्त चुनाव की सरगर्मी है। 3 चरणों के मतदान के बाद चौथे चरण का मतदान सोमवार को संपन्न हुआ। लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण में कुल 695 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं 5वें चरण में चुनाव लड़ रहे 159 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब बारी कुछ खेल जगत की। आईपीएल 2024 का 63वां मैच रद्द हो गया है। बारिश ने गुजरात टाइटंस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। गुजरात आईपीएल में प्लेऑफ की रेस से बाहर होने वाली तीसरी टीम है। इससे पहले मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स भी बाहर हो चुकी है। आओ जाने कुछ स्थानीय हलचल। परिवार पहचान पत्र को लेकर प्रशासन ने फिर से अपडेशन का काम शुरू कर दिया है। चुनाव के साथ साथ फैमिली आईडी अपडेशन का काम भी चल रहा है। मौसम का हाल इस प्रकार से है। आज सिरसा में मौसम गर्म रहेगा और अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। गोइंकन समाचार। रूपल ने सीबीएसई कक्षा 10वीं में 97% के साथ पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि कक्षा 12वीं में अनवी ने 95% अंक के साथ पहला स्थान प्राप्त किया। दोनों को उनकी उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए बधाई। अब खबरों का प्रसारण पंजाबी में। सत श्री अकाल सारिआं नूं, अज मैं जसनूर पंजाबी खबरां दे बुलेटिन नाल तुहाडा स्वागत करदी हां। पेश हन कुछ अंतरराष्ट्रीय खबरां। रूस ने ऐतवार नूं दावा कीता कि उसने 9 पिंडां ते कब्जा कर लिया है। रूसी हमले दे मद्देनजर यूक्रेन ने सरहदी इलाकियां तों सैकड़े लोकां नूं सुरक्षित बाहर कढ लिया है। हुण कुछ राष्ट्रीय खबरां। देश विच इस समय चुनावी माहौल है। 3 पड़ावां दी वोटिंग तों बाद सोमवार नूं 4थे पड़ा दी वोटिंग पूरी हो गई। लोक सभा चुनाव 2024 दे 5वें पड़ा विच कुल 695 उम्मीदवार मैदान विच हन। इस दे नाल ही 5वें पड़ा विच चोण लड़ रहे 159 उम्मीदवारां खिलाफ अपराधिक मामले दर्ज हन। हुण वारी खेड जगत दी। आईपीएल 2024 दा 63वां मैच रद्द कर दिता गया है। मीह ने गुजरात टाइटन्स दीआं उम्मीदां ते पानी फेर दिता अते टीम प्लेऑफ दी दौड़ तों बाहर हो गई। गुजरात आईपीएल विच प्लेऑफ दी दौड़ तों बाहर होण वाली तीजी टीम है। इस तों पहलां मुंबई इंडियंस अते पंजाब किंग्स वी बाहर हो चुके हन। आओ जानिए स्थानक हलचल। जिला प्रशासन ने परिवार दे शनाख्ती कार्ड नूं लै के मुड़ तों अपडेट दा काम शुरू कर दिता है। चोणां दे नाल नाल परिवारक आईडी अपडेट करन दा काम चल रहा है। मौसम दी खबर। अज सिरसा विच गर्मी रहेगी अते वध तों वध तापमान 41 डिग्री सेल्सियस अते घट्टो घट तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा। गोइंकन न्यूज़। रूपल सीबीएसई 10वीं जमात विच 97% अंक लै के पहले स्थान ते रही, जबकि अनवी ने 95% अंकां नाल 12वीं जमात विच पहला स्थान हासिल कीता।
ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਵਧਾਈਆਂ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਗੋਇੰਕਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਅਹਿਮ ਆਹਨ ਅਸਮੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਰਤਾ ਰਵਿਵਾਸ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇਸ਼ ਨਵਗ੍ਰਮਾਨ ਗ੍ਰਹਿਤਵਾਨ ਇਤਿ ਦਾਵਾਨ ਆਕਰੋਧ ਰੂਸਸ੍ਯ ਆਕ੍ਰਮਣਮ ਹਸ਼ਟਵਾ ਯੁਕ੍ਰੇਨ ਦੇਸ਼ੇਨ ਸੀਮਾ ਕ੍਷ੇਤ੍ਰੇਭ੍ਯ ਷ਟ್ಶಃ ਜನಃ ಸುರಕ್ಷಿತ ರೂಪೇಣ ನಿಷ್ಕಾಸಿತಃ। ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾರ್ತಾ। ಸಂಪ್ರತಿ ದೇಶ ನಿರ್ವಾಚನ ಉತ್ಸಾಹ ವರ್ತತೆ। ತ್ರಯಃ ಚರಣಃ ಮತದಾನಸ್ಯ ಅಂತರಂ ಸೋಮವಾಸರೆ ಚತುರ್ಚರಣಸ್ಯ ಮತದಾನಂ ಸಂಪಂತರಂ। ಲೋಕಸಭಾ ನಿರ್ವಾಚನಸ್ಯ 2024ತಮಸ್ಯ ವರ್ಷಸ್ಯ ಪಂಚಮಚರಣಸ್ಯ ಕುಲಂ ಷಷ್ಟಿಶತಂ ಪಂಚವಂತಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನಃ ಮೈದಾನಸ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ಸಂತಿ। ತಸ್ಮಿನ್ ಏವ ಕಾಲೆ ಪಂಚಮೇ ಚರಣೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಾಂ ಕುರ್ವತಾ ಶತಂ ನ ಪಂಚಶಾತ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನಾಂ ವಿರುದ್ಧಂ ಆಪರಾಧಿಕ ಪ್ರಕರಣಾಃ ಪಂಚೀಕೃತಾ ಭವಂತಿ। ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಃ ವಾರ ಅಸ್ತಿ। ಐಪಿಎಲ್ 2024ತಮಸ್ಯ ವರ್ಷಸ್ಯ ತಿಷ್ಟತಿಃ ತಮಃ ಮೇಲಃ ರದ್ಧಃ ಅಭವತ್। ವರ್ಷಃ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಕ್ಲಬಸ್ಯ ಆಶಾಂ ಕ್ಷೀಣಂ ಕೃತವತಿ। ಪ್ಲೇಆಫ್ ಕ್ರೀಡಾಯಾಂ ದೋಢತಃ ಬಹಿಃ ಅಸ್ತಿ। ಗುಜರಾತ್ ದೇಶ ತೃತೀಯ ದಲ ಅಸ್ತಿ ಯಃ ಐಪಿಎಲ್ ಕ್ರೀಡಾಯಾಂ ಪ್ಲೇಆಫ್ ದೋಢಾತ್ ಬಹಿಃ ಅಸ್ತಿ। ಅಸ್ಮಾತ್ ಪೂರ್ವ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಚ ಅಪಿ ಬಹಿಃ ಅಭವತ್। ಸ್ಥಾನೀಯ ಕಾರ್ಯ ಪಶ್ಯಾಮಃ। ಪ್ರಶಾಸನೇನ ಪುನಃ ಪರಿವಾರ ಪರಿಚಯಸ್ಯ ಸಂಬಂಧಂ ಅಥನ್ ಕಾರ್ಯಂ ಆರಬ್ಧಂ ಅಸ್ತಿ। ನಿರ್ವಾಚನೇನ ಸಹ ಪರಿವಾರ ಪರಿಚಯಸ್ಯ ಅದ್ಯತೀಕರಣಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಂ ಪ್ರಚಲತಿ। ಮೌಸಮ ಏವಂ ಅಸ್ತಿ। ಅದ್ಯ ಸಿರ್ಸಾನಗರಸ್ಯ ಮೌಸಮ ಉಷ್ಣಃ ಭವಿಷ್ಯತಿ। ಯತ್ರ ಅಧಿಕತಮ ತಾಪಮಾನಂ 144 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನ್ಯೂನತಮ ತಾಪಮಾನಂ 26 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಚ ಭವಿಷ್ಯತಿ। ವಿದ್ಯಾಲಯಸ್ಯ ವಾರ್ತಃ। ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ದಶಮ ವರ್ಗೆ ರುಬ್ಲ ಸಪ್ತವಂತಿ ಪ್ರತಿಶತಂ ಕೃತ ಪ್ರಥಮ। ಅನ್ವಿ ಚ ದ್ವಾದಶ ವರ್ಗೆ ಪಂಚವಂತಿ ಪ್ರತಿಶತಂ ಅಂಕ ಪ್ರಥಮ ಅಭವತ್। ಉಭಯ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಥಾನಾನಾಂ ಕೃತೆ ಅಭಿನಂದನಂ। ಧನ್ಯವಾದ। ಇಸ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಮೇ ಇತ್ನಾ ಹೀ। ಆಪ್ಕಾ ದಿನ ಶುಭ ರಹೇ।